पटना से मधेपुरा जाने के क्रम में दरभंगा के NH 57 स्थित पंजाबी ढाबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि हमें मालूम चला कि कुछ दिन पहले विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा किए गए कार्यक्रम में न्यूज कवरेज करने गए पत्रकार के ऊपर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्रकार पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर हमला होना बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कार्यक्रम होती है तो पत्रकार की सुरक्षा करना उनका दायित्व तो बनता है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधी को पकड़ने के बजाय दो पत्रकार के ऊपर विश्वविद्यालय थाना के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। अपराधी को तो नहीं पकड़ते लेकिन पत्रकार को पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है और उन्हें घंटों बैठाया जाता है। इस तरह का व्यवहार एक थाना प्रभारी के द्वारा अच्छा नहीं लगता। इसको लेकर हम आगे बात करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। सर, 8 तारीख की रात्रि में पत्रकार पर जिस तरह से हमला हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। भीड़ जो है, जो आम लोग हैं, वो अब जब देश के प्राइम मिनिस्टर ही संविधान और कानून को नहीं मानते, संजय राउत के मामले में कहा गया कि ये न तो कानून सम्मत है और ये गिरफ्तारी गलत है। लगातार सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट, भारत में जो डर है तरीके का और बिहार में भी जो हालात हैं, लोग दारू से कई करोड़ गुना ज़्यादा लोग स्मैक्स, ड्रग्स, क्रैक, वाइटनर, यंग जनरेशन जिस तरीके से लगातार ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया और उसके बाद 90% लोग पॉर्न देखने, समाज में पिता भी ऐसी चीज़ों को नहीं रोक रहे, परिवार को रोकने की हिम्मत नहीं है। अब जातीय उन्माद दंगा होता है, वहाँ पिता खड़े होने के बावजूद बच्चे पत्थर चलाते हैं। पहले समाज में टीचर का डर था, अब टीचर को समाज का डर है, छात्र का डर है। टीचर आने के बाद खबर होती थी एक गांव में टीचर आएगा, 40 साल पहले स्टूडेंट माँ के पल्लू में जाकर के सो जाता था। अब टीचर लाख बार सोचता है कि मैं उस गांव जाऊं कि नहीं, कहीं थप्पड़ तो ना खा जाऊं। एक तरफ माँ बाप होते हैं भाई, और एक तरफ भाई बहन होता है, भोजपुरी गीत के नंगा नाच होता है। जो हालात और माहौल है उस परिवेश में, जो बड़ी संस्थाएं हैं उसको खुद ही परहेज करने की जरूरत है। हमें यह सोच लेना पड़ेगा कि हम कितना कब प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह, मंच हो मंच के नीचे हो, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। जिस तरह के एक बगल में एक आदमी पेशाब कर रहा था तो किसी ने कहा कि यार संस्कार नहीं दिया है माँ बाप, चलते हैं इसके बाप को कहते हैं। वहां गए तो देखते हैं अर्जित का और प्रदीप का रफी की गीत है, जब पुरानी गीतें आपको सुनने को तैयार नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हैं आज के यूथ से कि आप बच जाइएगा। अब उम्मीद मत करिए बचने उचने की, परहेज करने की जरूरत है। समाज की यह दुर्गति हो चुकी है कि अब कोई बच्चा कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, वेटर्स, इन सब चीजों से बाहर नहीं है। और इन बातों को सरकार को समझनी होगी कि हम शराब शराब की बात करते हैं, हम उसकी पॉलिसी को चेंज नहीं कर पाते। जो घटना उस दिन घटित एक पत्रकार के यहां जो हुई, या उसी का नतीजा है। उसके बाद में ये अलग बात है कि उस पर वहां पुलिस की सुरक्षा नहीं थी, वहां सुरक्षा होनी चाहिए थी। उसके बाद जो थाना प्रभारी का, जो वहां के कौन सतप्रकाश झा का जो आउटपुट है, जो उसका चेहरा है, वो अपने को तोपखान समझते हैं। सतप्रकाश झा
चाहे वो कोई आंदोलनकारी हो उस पर भी हो, छात्र किसी भी कोई भी छात्र को धमकी देता है और केस एफ आई आर लॉन्च कर देता है। पत्रकार को बंद कर देना, स्मैकिया ने मारा या स्पैकिया ने धक्का दे दिया, हमको उस बात का दुख नहीं है। गोबर पर घी डालने से या सुगर के गुह पर बात करने की जरूरत नहीं है। गोबर पर जितना कि पेखाना पर आप पत्थर मारिएगा तो अपने छिटकेगा, इसलिए उन गंदे आदमी की चर्चा की बेकार की बात, ऐसे लोगों को बहिष्कृत करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि बैजू झा जी ने ऐसे लोगों के खिलाफ निंदा ही किया होगा और जिस पर घटना घटी होगी गए होंगे। यदि सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, प्रशासन ने, तो खुद की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। पत्रकार को सबसे पहले हमें सम्मान के साथ कहीं बैठाने की जरूरत है, ताकि जो हमारी स्वतंत्र विचारधारी वाली पत्रकार है उस पर कोई हमला ना हो, उस पर डायरेक्टर पर हमला ना हो। लेकिन उसके बाद जो थाना प्रभारी के द्वारा घटना घटित हुई, ये जितनी आलोचना की जाए गलत है, उसकी शिकायत डीआईजी तक आप लोगों को करनी चाहिए। हम उस पर बात करेंगे। वो लगातार वहाँ सार और रावण, उनको समझ में आता है कि हम यहाँ के हिटलर हो गए हैं। ये गलत परंपरा है, गलत तरीका है जो उन्होंने कालर पकड़ के हमारे पत्रकारों को बैठाया। वह तस्वीर हमें चाहिए, हम उसके खिलाफ लिखेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम उसको छोड़ेंगे। हम बात करेंगे ऊपर, आप बेफिक्र।